मैं उन लोगों की तलाश में हूं। इनके पास खोने को कुछ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। किस दिन है प्रभास का जन्मदिन? कौन से फिल्म को किया जाएगा री रिलीज? प्रभास की कौन सी दूसरी फिल्म को भी किया गया री रिलीज? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमें जब 10 से 12 कमेंट्स आ जाते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तब हमारा चेहरा ऐसे खिल जाता है जैसे पूछे मत, जैसे मानो दुनिया ही हमने जीत ली हो। तो सोचिए, दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस जब एक आदमी पर इतना प्यार बरसाते हैं तो उस इंसान को कैसा लगता होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टाइलिश एक्टर प्रभास की, जिनके फैंस उनकी हर फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहते हैं और जश्न मनाते हैं। अब तो उनके खास दिन को इन लोगों ने और भी खास बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 23 अक्टूबर ये दिन जितना प्रभास के लिए खास होगा, उतना ही इस दुनिया के सारे लोगों के लिए होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रभास का जन्मदिन होता है। प्रभास तो अपना बर्थडे मनाएंगे ही मनाएंगे, पर आपको बता दें कि उनके जन्मदिन को और स्पेशल बनाने के लिए उनके दोस्त, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, साथ ही उनके फैंस ने जोरदार तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि प्रभास की 2009 में रिलीज हुई फिल्म बिल्ला को 23 अक्टूबर के दिन थिएटर में री रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को ऑडियंस का बेहद प्यार मिला था और इसीलिए एक स्पेशल ट्रीट के तौर पर इस फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो प्रभास के करियर की खास फिल्म है। इसके रिलीज के अनाउंसमेंट को लेकर हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास के साथ नजर आई थी उनकी स्पेशल फ्रेंड अनुष्का शेट्टी और हंसिका मोटवानी। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि कुछ तेलुगु स्टेट्स में तो प्रभास के जन्मदिन को लेकर सेलिब्रेशन की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ कुछ स्टेट्स में प्रभास की दूसरी फिल्म रीबेल भी री-रिलीज की गई थी, जिसमें प्रभास का खतरनाक अंदाज ऑडियंस को पसंद आया था। दोस्तों, बिल्ला के लिए एक्शन शॉट्स और थीम सॉन्ग ऑडियंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट होगी, ऐसा इस फिल्म की टीम का कहना है। और आप तो जानते ही हैं कि जहां प्रभास की फिल्म लगी हो उस थिएटर में कितना हंगामा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूएसए में भी इस फिल्म को री रिलीज किया जाएगा, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये एक ऐसी इंडियन फिल्म है जिसे डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ वहां भी काफी डिमांड और प्यार मिल रहा है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आदि पुरुष, जो अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसमें वो प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले हैं। उसके बाद दीपिका पादुकोण के साथ प्रोजेक्ट के में वो नजर आने वाले हैं और बमन ईरानी के साथ फिल्म राजा डिलक्स में कॉमेडी ड्रामा करते हुए वो नजर आएंगे। तो दोस्तों, बस अब 23 अक्टूबर होने वाला है खास, क्योंकि इस दिन 44 साल के हो जाएंगे प्रभास। तो हैप्पी बर्थडे कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्रभास को। और हाँ, हमें भी मत भूलिएगा अपना कमेंट सेक्शन शेयर करने को लेकर, और साथ ही वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।